रूस ने भारत को फिर से दिया सुखोई 57 विमानों का ऑफर। क्या भारत अमेरिका को नाराज करके रूस से करेगा तगड़ा करार? स्वदेशी एम का प्रोजेक्ट पर बजट की खड़ी हो सकती हैं मुश्किलें। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की विमानों की कमी को दूर करने के लिए अभी तक किसी डील को फाइनल नहीं किया गया है। यहां तक कि किसी विमान को फाइनल भी नहीं किया गया है जिस पर बात आगे बढ़ाई जा सके और दुनिया के कई देशों के विमान भारत के क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच भारत के जिगरी रूस ने एक बार फिर से अपने सुखोई 57 विमानों का ऑफर दिया है। ये रूस के पांचवी पीढ़ी के विमान हैं। रूस ने इस बार भारत को जो ऑफर दिया है उसे काफी कंफर्टेबल कर दिया है, यहां तक कि उसने खुद की कीमतें कम कर दी हैं। इसके अलावा वो भारत की जरूरत के हिसाब से इसमें कई बड़े बदलाव का भी प्रपोजल दे रहा है। ऐसे में क्या भारत इस विमान पर फाइनल फैसला कर सकता है? इससे भारत की रणनीति पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कीमतों में कमी के अलावा रूस ने दिया जरूरी बदलाव का ऑफर। एम का प्रोजेक्ट में इसकी तकनीकियों का हो सकता है बड़ा फायदा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रूस ने भारत को क्या क्या ऑफर दिया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी डील से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। जब भारत विमानों के लिए कई देशों की तरफ देख रहा है, ऐसे में रूस जाहिर तौर पर कोशिश करेगा कि भारत उसके विमान खरीदे। भारत ने पहले भी रूस से भारी तादाद में विमान हासिल किए हैं। अभी भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा सुखोई विमान ही मौजूद हैं, जिन्हें भारत ने रूस से हासिल किया था। रूस भारत से डील हासिल करने के लिए उसे बेहद कंफर्टेबल ऑफर दे रहा है। रूस का ऑफर है कि वो भारत के लिए अपने विमानों में तकनीकी बदलाव भी करेगा। वो विमान की स्टिल्थ क्षमताओं में बदलाव करेगा। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इंजनों को भी इनबिल्ट करेगा, जिससे इसकी क्षमताओं में और इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा इस विमान में हाइपरसोनिक मिसाइल को लगाया जाएगा। इसके एवियोनिक्स को भी और तगड़ा बनाया जाएगा। रूस ने भारत के लिए अपने विमानों की कीमतें भी कम कर दी हैं। भारतीय वायुसेना में फिलहाल चीन के खिलाफ मजबूती के लिए पांचवी पीढ़ी के विमानों की सख्त जरूरत है। रूस के सुखोई 57 के मुकाबले चीनी विमान खिलौना साबित होता है। हाल ही में झुझाई एयर शो में रूसी विमान ने अपनी ताकत दिखाई थी। चीन के J20 की हालत ये है कि वो भारत के एक राफेल के मुकाबले 4-4 J20 तैनात करता है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 57 आ जाता है तो वो एक सुखोई विमान के मुकाबले 10 J20 तैनात कर सकता है। हालांकि चीन क्या करेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सुखोई 57 की तैनाती भारत की हवाई क्षमताओं में भयंकर इजाफा कर देगी और भारत चीन के खिलाफ आसानी से शक्ति संतुलन कर सकेगा। चीन आसमान में भारत को अकड़ नहीं दिखा पाएगा। रूसी विमान खरीदने से भारत के एम का प्रोजेक्ट में भी मदद मिलेगी। भारत के पास पांचवी पीढ़ी का विमान आ जाने के बाद इसकी एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल भारत के विमान में किया जा सकेगा और एम का प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो सकेगा। भारत और रूस के बीच रिश्तों को मजबूती मिलेगी। भारत इस वक्त लगातार पश्चिम से आयात बढ़ा रहा है, ऐसे में रूस और अमेरिका के साथ व्यापार भी संतुलित हो सकेगा। अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत के तेजस प्रोजेक्ट में देरी करवाई जा रही है। करार के बाद भी भारत को वक्त पर इंजन नहीं मिल रहा है। इस करार के बाद उसे भी झटका लगेगा और अमेरिका डील को बचाने के लिए तय वक्त पर सप्लाई करेगा, लेकिन इस समझौते से भारत के लिए कई दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस बारे में कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी है। अमेरिका का काटसा कानून भारत के लिए खड़ी कर सकता है मुश्किलें। भारत के एम का प्रोजेक्ट में भी बजट को लेकर आ सकती है रुकावट। रूस से भारी हथियारों की डील पर अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका का काटसा कानून भारत के लिए मुश्किल बन सकता है। काटसा कानून के तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा देता है जो रूस से भारी हथियारों की डील करते हैं। S-400 की डील के वक्त भारत मुश्किल से अमेरिका को इसके लिए राजी कर पाया था। भारत के लिए रूस
खास है, लेकिन अमेरिका भी भारत का बड़ा व्यापारिक पार्टनर हो चुका है। बीते साल में भारत ने अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात किया था। ऐसे में भारत अपने व्यापारिक रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। बहुत जरूरी हुआ तो भारत इस विमान को हर तरह से हासिल करेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि ये विमान ताकत और क्वालिटी में भारत की उम्मीदों पर खरा उतरे। रूस की तकनीक पर कोई शक नहीं है, लेकिन भारत पहले इस विमान को आजमाना चाहेगा। अभी तक मेक इन इंडिया पर रूस ने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में भारत के लिए ये जानना भी जरूरी है कि रूस इसके लिए राजी होगा या नहीं। रूस इस विमान में AL-41F1 इंजनों का इस्तेमाल करता है। वो इसे इस Dallier-30 इंजन से रिप्लेस करने वाला है। इससे इस विमानों की क्षमताओं में तगड़ा इजाफा हो जाएगा। हालांकि इन इंजनों के विकास में वक्त लग रहा है। ऐसे में इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी चिंता की वजह है। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में है और इसी वजह से वो भारत को S-400 सिस्टम की डिलीवरी नहीं दे सका है। और अगर उसके साथ करार होता है तो वो कब तक विमानों की सप्लाई कर पाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुखोई 57 की डील के बाद सरकार का ध्यान इन विमानों पर चला जाएगा और इससे एमका प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। एमका प्रोजेक्ट को बजट देने में दिक्कतें आएंगी। रूस का विमान भारत की ताजा जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन ये भारत के लिए स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। भारत के लिए खुद का विमान ही स्थायी सॉल्यूशन हो सकता है। एमका प्रोजेक्ट में भारत तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसके पूरा होने के बाद भारत की आत्मनिर्भरता भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट में लग रहे वक्त की वजह से एक्सपर्ट्स की सलाह ये जरूर है कि भारत को फिलहाल वायुसेना में विमानों की कमी को दूर करने के लिए कुछ विमान हासिल कर लेने चाहिए। रूस के ऑफर के मुताबिक भारत इस समझौते के लिए रुपए में ही पेमेंट कर सकता है। अगर भारत रूस के साथ समझौता करता है तो इससे भारत को इंजनों की दिक्कत भी खत्म हो सकती है, क्योंकि रूस भारत को एमका के लिए इंजनों का भी ऑफर दे सकता है। भारत हर तरह की बार्गेनिंग के बाद ही कोई फैसला लेगा। अभी तक भारत सरकार विमानों की डील को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। इससे यही पता चलता है कि वो एमका पर ध्यान दे रही है। स्वदेशी विमान भारत की ताकत में गेम चेंजर साबित हो जाएगा। इसके बाद भारत एविएशन में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर रूसी विमान की बात की जाए तो रूस ने इसे भयंकर तकनीकियों से लैस किया है। इसमें अत्याधुनिक रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया है। ये आसमान में तूफान मचा देता है। इसे भयंकर हथियारों से भी लैस किया गया है। रूस के डिस्काउंट के बाद भी सुखोई 57 काफी महंगा विमान है। इन विमानों का रखरखाव भी काफी महंगा होता है। भारत पर इसकी डील से आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ऐसे में अगर ये विमान वायुसेना के लिए मजबूत विकल्प साबित होता है तो सरकार जरूर इसके लिए डील करेगी। तो दोस्तों, रूस के ऑफर पर भारत को क्या फैसला करना चाहिए, अपना सुझाव जरूर बताएं।